बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीते साल रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में एल्विश यादव का नाम सामने आया था। वहीं इस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। नोएडा पुलिस ने इसकी जांच के लिए जयपुर फॉरेंसिक साइंस लैब को इसके सैंपल भेजे थे। FSL रिपोर्ट में करैत प्रजाति के सांपों का जहर पाया गया है। आपको बता दें कि फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव समेत सपेरों के खिलाफ सेक्टर 49 थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। सांसद मेनका गांधी के NGO PFA द्वारा एल्विश यादव के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। इस मामले में सपेरों को पुलिस ने जेल भी भेज दिया था। वहीं सपेरों के कब्जे से बरामद सांपों के जहर को जांच के लिए FSL लैब भेजा गया था। सांप तस्करी और नोएडा में रेव पार्टी मामले में धीरे धीरे जांच आगे बढ़ रही है। बीते साल नवंबर में आरोपियों को रिमांड में लेने के बाद नोएडा पुलिस उनसे कई घंटों की पूछताछ कर चुकी है। इस पूछताछ में पुलिस के सामने कई आरोपियों ने कई खुलासे किए थे, जिसमें आरोपियों ने बताया था कि एल्विश यादव की पार्टियों में बदरपुर से सांप लाए जाते थे। पुलिस पूछताछ में एक आरोपी ने बताया कि रेव पार्टी में सांप और जहर का इंतजाम करता था। डिमांड के मुताबिक सपेरों से लेकर ट्रेनर और बाकी चीजें प्रोवाइड कराई जाती थी। उसने पुलिस को कुछ अन्य आरोपियों के नाम भी बताए थे, जो रेव पार्टी में बीन प्रोग्राम और सांपों का खेल करवाते थे। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका एल्विश और फाजिलपुरिया से कनेक्शन था। इसके बाद से ही पुलिस उनका पता लगाने में जुट गई थी। वहीं NGO का दावा है कि बिग बॉस विजेता एल्विश यादव नोएडा में रेव पार्टी किया करता था। पुलिस ने PFA की शिकायत पर एल्विश की रेव पार्टी करने वाली जगह पर छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनसे 9 जहरीले सांप बरामद किए थे। वहीं आप फॉरेंसिक साइंस लैब रिपोर्ट में करैत प्रजाति के सांपों का जहर पाया गया है, जिसने एल्विश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।